हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, जेलर मूवी में तो बड़ा ही मजा आ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा। अब तो भाई साहब मैं कहता हूँ रजनीकांत जी छोड़ने वाले। हाँ, अब नरसिम्हा से तो मिलने गए। अब आगे देखते हैं कि भाई साहब आखिर उनके मुलाकात का पीछे का मकसद क्या है और क्यों पहुंच गए। हाँ वही ना, तो कौन करते स्टार्ट शुरू करें सर? या अबे इधर देख, इधर तो सारे पहलवान। सर अभी जो शूटिंग आपने देखी वो इन्होंने ही की थी। मेरे सबसे हुनरमंद और ईमानदार बॉडीगार्ड्स, वेल ट्रेंड फाइटर्स एंड स्नाइपर्स। ये तो भाई, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, ये है तुम्हारे मालिक। ये जो बोलेंगे बिना पूछे करोगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आइए खाना खा लो। तो ये इस चीज के लिए आए थे? लेकिन स्नाइपर्स किस लिए? तो जानी वर्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बोट में चलेंगे क्या? नहीं रे, कल दूसरा गेटअप होगा। अच्छा कल दूसरा गेटअप होगा। इस टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी की सही माप बन की है, मटर इसमें हो रहे हैं। और ये बेचारा बंदा हुआ यार, उधर वर्मा उनकी फैमिली के पीछे भी पड़ा हुआ ना सारा। कसीनो भाई, किसी और की गलती के लिए वर्मा ने हमारे 3 आदमी मार डाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी डेथ कंफर्म्ड है। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा भाई, कुछ करो भाई। वॉइस मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया, वो मुझे इनको भेजना था। खाते समय उठते नहीं है, अच्छी तरह खाने के बाद उस कमरे में आ जाना। शुरू हो गए सर, कसम से बोल रहा हूँ सर, जो पता था सब बता दिया सर। मूर्ति जाने का रूट पता है सर, गाड़ी कौन सी है ये नहीं पता। गाड़ी नहीं पता तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हर गाड़ी के सामने मूर्ति लेके खड़े होंगे क्या? हाँ क्यों नहीं हो सकते। मूर्ति कौन होगा भाई? मूर्ति नीचे गिर गई भाई, मूर्ति नीचे गिर गई। हमें मूर्ति खड़ा कर दिया, खुद ही कैसे करूं। मूर्ति नीचे गिर गई, मूर्ति नीचे गिर गई। यार इस बेचारे के साथ रजनीकांत जी सही। मूर्ति मूर्ति, गाड़ी आते ही बता देना, हम सब अलर्ट हो जाएंगे। जब मैं बोलूं तब रोड ब्लॉक कर देना। अबे इधर होलिया कैसे कर लिया है? तो लड़की खुश रहे नहीं मैंने। लड़के वाला कपड़े पहन। हाँ देखो क्यों बार बार मेरे बाप। भाई 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 भाई, रुको। क्या है? मूर्ति गिर गई। ये दूध की गाड़ी है। दूध की गाड़ी है भाई, सुबह से भूखा हो, दूध वाली कॉफी पिला दो ना। तुझे सुला के दूध पिला के जाऊं क्या? दूध नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए। तू जा, मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ। एक तो धूप, ऊपर से ये भूत। भाई मूर्ति मूर्ति मूर्ति। यार इसके साथ ही अब सारा दिन तो रगड़ है। भाई साहब, भाई साहब मूर्ति गिर गई है। भाई साहब ये रुक गया, अब ये ट्रक में पता नहीं कौन है। रुक गया, ये है कौन? सब लोग अलर्ट हो जाओ, लगता है मछली फंसी है। देखा लड़कियों वाले कपड़े, ये तो बने हुए हैं। लेकिन ये कोई मुर्गा फंसा रहे हैं भाई। वो सीन होगा ना गाड़ी, किसी गाड़ी से मूर्ति गिर गई है। रघु गाड़ी में से कोई मूर्ति नीचे गिरी है क्या? अरे मेटल कंटेनर है यार। ये कंफर्म लग रहा है। किस गाड़ी में मूर्ति, वो तो नहीं पता लगा रहे थी। यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ में मूर्ति है, मुझे लग रहा है ऐसा है। और ये कौन है? सर इस मूर्ति को पीछे मेरे आदमियों को दे दो। ए सुन,
वो पीछे आ रहा है, उसे गाड़ी में खींच ले। ओ तेरी इसको गाड़ी में खींच ले। तो गई भाई बेटा तू ये नीचे आ गई। अबे ये कोई वो लगा रहा है। ट्राइबल अंकल ने बोला आप तो दे दूं। एकदम रुकेगा और पूरे पीछे लेवल कर दिया। ये जिसका फोटो है उसकी फैमिली इसी हॉस्पिटल में है। कौन से कमरे में? ये अब तक 3 खून कर चुका है, डे लाइट मर्डर और सामने वाला, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। अब किसके सामने बोल रहा है? 3 खून और मैंने कितने खून किए हैं? डॉक्टर को छोड़ के 96 सेंचुरी में 4 कम, तो आप ही विनर हैं। यहाँ से उठो, राइट लेफ्ट राइट, दूसरा कमरा तो जो निपटाना है वो निपटा लो। क्या सर, अपनी फैमिली को 150 किलोमीटर दूर लेके जाएगा तो तुझे क्या लगता है मैं उन तक पहुँच नहीं पाऊंगा? तूने अपने दोस्ती की कदर नहीं की, इज्जत का कचरा कर दिया, बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन तूने मेरे को हर्ट किया ना, अभी तेरे को लाइव दिखाऊंगा। कौन सा रूम ये है ना? इसकी तो फिर सर लाइव टेलीकास्ट बहुत नहीं है। वर्मा अपनी मूर्ति है, देखा मूर्ति निकाल भी ली। सामने आ, क्या हुआ? सिग्नल कट हो गया, कैमरा फ्रीज हो गया। नहीं 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 नहीं, पाव हिल रहा है। सिग्नल है। अब इसको तो धचका दिया सही। कोई परवाह नहीं है सर, सिर्फ 10 करोड़ का मामला है, मेरे पाल जीतना है। अगले हफ्ते मैसूर से हैदराबाद जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा। और उसके बाद मदुरई से जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जा रहा है क्या? भाई साहब क्या सर, मैं इतना भी पता नहीं कर सकता, ये समझ लिया क्या? तेरे मेरे बीच इतनी ही दोस्ती? मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, दोस्ती लेवल के बंदे से की है। तेरी मेरी दोस्ती कट। दोस्ती भी लेवल के बंदे से की है, मजा आ गया। उसको भाई लात मारने का कहता है, पहले दिखा, पहले डर ही कहते कोई मसला, 10 करोड़ का मसला है यार, अपन कवर कर लेगा। लाल कहता ना 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 ना, कहता इधर से इधर भी तो जाने वाले, वो ही पकड़ूंगा। कहता है फिर उसे वहां पर भी, उस एरिया में भी जाने, वो बुमार पकड़ूंगा। वो भी पीछे देख के बोलता ही ना वर्मा, कहता जा रहा है क्या? वो कहते हाँ, उधर ही भाई लाल नीचे कर लेता ही। ओ भाई, लेकिन यारा वर्मा के साथ इसने सही प्लान किया। पहले तो नरसिम्हा जी को दाद देनी चाहिए, उसने 4 स्नाइपर अपने वो इनको दे के ना, आज से मैं तुम्हारा नहीं हूँ साहब, यही है साहब, जो ये बोलेंगे वो करना होगा। भाई लड़कियों के ड्रेसों में वो उधर एक तरह से खुश रहे बन के। वही ना भाई साहब, बड़े बड़े पाल। लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी की है यार, रजनीकांत जी ने मूर्ति लूटने की। अबे वो नीचे
गुंगराले बालों वाले के साथ हमेशा बुरा उसको बलि का बकरा बनाता ही। यार ये रजनीकांत जी क्या करते उस बेचारे को, क्यों मूर्ति पूरा दिन लेकर, और वही ट्रक को ढूंढ रहे थे मूर्ति आ रहे को, मूर्ति मूर्ति का कह रहा था, और वही ट्रक को रुका मूर्ति का, और उसने बोला ये बंदा है इसको अंदर वो जाता कह रहे अंकल तय लेंगे तो मूर्ति को अंदर लग लो उसको भी उठा के, लेकिन ये नहीं पता कि नीचे पूरी प्लानिंग चल रही है। मैं समझा मैंने कहा सस्पेंशन उखड़ जाएगा, लेकिन ट्रक को उल्टी हुआ है भाई साहब। मैंने कहा था कि ट्रक रुकेगा, लेकिन ये रुका है क्या, कल्टी हुआ है। इतनी स्पीड पर ट्रक होगा और पीछे होगा भाई। हाँ। ओ भाई इतना गंदा, बहुत गंदा काम किया यारा। और भाई वर्मा जैसे बंदे को झटका देना तू क्या समझता है कोई छोटे मोटे आदमी का काम है? कसम से नहीं भाई, वर्मा से दो कदम आगे की सोच रहा है। हाँ, वर्मा ने जो कदम ले रहा है दो कदम उससे आगे, वरना फैमिली तक पहुंच गया था, वरना तुझे पता है वर्मा छोड़ता है ना भाई साहब, दरवाजे पे खड़ा हुआ और टांग वहीं पे रुक जाना, और आगे से रजनीकांत जी बोल रहे पुत्र तेरे अगले पूरे हफ्ते का प्लान मेरे पास है। तो भाई स्नाइपर भी तो तब भी लेकर आया ना कि वर्मा जैसे बंदे के साथ इसका मुकाबला, लेकिन अब आगे दिखता भाग्य होता है क्या। तो